अरे मोदी चाचा, अरे मोदी चाचा, सुना है कि आजकल शादी में प्रोग्राम बहुत पा रहे हैं, तो फिर मोदी चाचा हमको क्यों नहीं ले जाते हैं? हम इतना बढ़िया गाना गाते हैं ना कि ससुरी जिसको नहीं सुनना रहता वो अपना घर से बिस्तरा छोड़ के चले आएगा। अरे योगी बुलडोजर बाबा, अरे थोड़ा हारमोनिया बजाने का सीखो ना, ऐसे हारमोनिया बजाया जाता है। हमारा मोदी चाचा को देखिए, ढोल ऐसे बजाते हैं जैसे साला कमर हिल जाएगा। तुम यार ऐसा हारमोनिया बजाते हो कि लोग गाली देके चले जाते हैं। थोड़ा बढ़िया बजाओ ना, तब ना मिजाज बनेगा। और हमको प्रोग्राम में ले चलो, जितना प्रोग्राम हम करे है ना, 2 से 3 लाख रुपया महीना कमा लेते हैं। अरे अखिलेश बाबू, अपने बारे में ऐसा नहीं बताया जाता है, और ऐसे तुम अपने बारे में बता दोगे कि हर महीने हम 2 से 3 लाख रुपया कमा लेते हैं, फिर योगी बाबा तुम्हारे ऊपर ऐसा टैक्स ठोकेंगे ना कि प्रोग्राम छोड़ दोगे करना। और थोड़ा प्रोग्राम वोग्राम करते हो तो किसी को मत बताया करो, और ज्यादातर हमारा योगी बुलडोजर बाबा को, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना बचवा, तो फिर समझने में देर नहीं लगेगी, ये बर्बाद करने में बहुत जल्दी लगे हैं। आजकल देख रहे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ दे रहे हैं, तो हमारे जैसे आपके जैसे लोगों को कैसे नहीं तोड़ेंगे, इन्हीं का नाम है बाबा बुलडोजर। अरे ओम फोम मोदी चाचा, ठुर्राटे काटने लगी। सच बता दूं, आज हम अखिलेश यादव को जरूर एक बात बताऊंगा, ये जब भी प्रोग्राम करके आते हैं ना मोदी चाचा, ये हमको बहुत ज्यादा फीलिंग देते हैं, और हमको इतना टेंशन दे देते हैं ना कि ससुरी क्या करे, जहर खाने में परेशानी हो जाती है। तो आप ही बताओ मोदी चाचा, हम इनके ऊपर टैक्स ठोके कि नहीं ठोके? ये आजकल प्रोग्राम करते हैं ना तो लड़की पटाने में चले जाते हैं।